दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा आगे बढ़ने के साथ ही ये चर्चा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सुर्खियों में है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण आगे होने वाला है। तो यहाँ पर क्या पूरी प्रक्रिया होगी, अतिथि शिक्षकों की कैसे नियमितीकरण हो सकता है, और वर्तमान में अतिथि शिक्षकों के लिए दो आदेश निकल के आए हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे देना चाहता हूँ। जानकारी महत्वपूर्ण आपकी वर्ग एक की अगर आप तैयारी करें तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्ग एक के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी से लेके इंग्लिश तक आपको बहुत सारे कोर्सेस, सब टेस्ट सीरीज आपको आ चुकी है, जो आप यहाँ पर एमपी परीक्षा ऐप पर परचेस कर सकते हैं। आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं GURDPEB50 और 50% की छूट यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों के बारे में एक आदेश जो 17 तारीख को यहाँ पर जारी हुआ था, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये आदेश ये था कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी कार्यवाही करने के बारे में था कि जो पैनल है वो अवेलेबल है ऑनलाइन, और अतिथि शिक्षक अब आवेदन कर सकते हैं, अपने संकुल में जाके आवेदन कर सकते हैं, स्कूल में जाके आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर 20 दिसंबर जो है तक स्कूल में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करने के लिए राज्य स्तर से SMS भेजा जा रहा था। लेकिन अब आपके लिए ये है कि अब आपको एक और आदेश यहाँ पर आया है, जो नया आदेश है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इस आदेश को अगर देखें तो ये 22/12/2018 का आदेश है, और इसमें आप देख सकते हैं ये जो है रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन व्यवस्था के लिए है, ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था के बारे में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के बारे में कहा गया है। स्वीकृत पदों में संशोधन कर सकते हैं, रिक्तियों का अपडेटेशन, अतिथि शिक्षक की रिज्वाइनिंग और रिलीविंग प्रक्रिया का ऑप्शन भी अवेलेबल है, पैनल मैनेजमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, अतिथि आवेदकों को GFMS पोर्टल में पंजीकरण भी यहाँ पर उपलब्ध है। देख सकते हैं आप यहाँ पर राज्य शासन के संदर्भित आदेश की कंडिका 1.4 के अनुसार विद्यालय में आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कंडिका 2.1 के अनुसार ऐसे आवेदकों जो GFMS पोर्टल में पंजीकृत नहीं है से भी स्थानीय स्तर पर आवेदन पत्र आमंत्रित कर मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षक को रखा जा सकेगा, किंतु प्राचार्य प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि विषय मान से वास्तविक रिक्ति के आधार पर ही विषय मान से अतिथि शिक्षक रखा जाए। इस प्रकार से विद्यालय में रखे गए अतिथि शिक्षकों का पंजीयन GFMS पोर्टल में संकुल प्राचार्य के लॉगिन से दिनांक 30 दिसंबर 2018 तक किया जाए। ये देखिए, ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर है। समस्त विद्यालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, सामान्यतः यह शिकायत प्राप्त होती है कि रिक्तियों की स्पष्ट जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं की जाती है। समस्त विद्यालयों द्वारा रिक्तियों की स्पष्ट जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है विद्यालयों के लिए। अगर आप जिस भी विद्यालय में जा रहे हैं और वहाँ पर आपको इस प्रकार से अगर जानकारी नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर विद्यालय को अपने नोटिस बोर्ड पर जितनी भी रिक्तियाँ उनकी जानकारी वहाँ पर देना आवश्यक है। ये आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है। अतिथि शिक्षक पोर्टल से पैनल का प्रिंटआउट लिया जाए तथा पैनल की मेरिट के अनुसार कार्यवाही की जाए। शालाओं में विषय मान के अनुसार ही अतिथि शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संकुल प्राचार्य द्वारा उक्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, इस हेतु तैयार हेल्प मैनुअल ये हैं। आप देख सकते हैं हेल्प मैनुअल भी यहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ऑनलाइन शिक्षक अतिथि शिक्षक ऑनलाइन प्रणाली के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक 17/12/2018 को जारी शासनादेश के अनुसार विद्यालयों में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अतिथि शिक्षक पोर्टल को अपडेट किया गया है। संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल में लॉगिन उपरांत निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर कार्यवाही यहाँ पर सुनिश्चित करना होगा। देख सकते हैं आप, पहली कार्रवाई यहाँ पर होगी रिक्तियों का अपडेटेशन। तो विद्यालय में विषयवार रिक्त पदों के अलावा अस्थायी स्वरूप की रिक्तियाँ BEd CCL इत्यादि को भी अपडेट करने की व्यवस्था उपलब्ध है, ताकि इस प्रकार की अस्थायी रिक्तियों की पूर्ति भी अतिथि शिक्षक के द्वारा की जा सकती है। यानी कि अब जो है संकुल प्राचार्य रिक्तियों को अपडेट करके भी अतिथि शिक्षक यहाँ पर रख सकते हैं। अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग की और रिलीविंग की प्रक्रिया भी वहाँ पर उपलब्ध है। पैनल मैनेजमेंट की प्रक्रिया भी वहाँ पर उपलब्ध है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से संकुल प्राचार्य यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, वैकेंसी मैनेजमेंट सर्च, वेरीफाइड एप्लीकेशन, ज्वाइनिंग रिलीविंग मैनेजमेंट, ऑनरेरियम मैनेजमेंट और एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन मैनेजमेंट, पैनल मैनेजमेंट, स्कोर कार्ड, ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं यहाँ पर GFMS पोर्टल पर। देख सकते हैं आप यहाँ पर वैकेंसी मैनेजमेंट में वैकेंसी अपडेटेशन संकुल प्राचार्य के लॉगिन आईडी से होगी। वैकेंसी अपडेटेशन में दो विकल्प, दो ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पर, ऐड अपडेट वैकेंसी, व्यू वैकेंसी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ऐड अपडेट वैकेंसी पर क्लिक करने पर आपको स्क्रीन दिखेगा, जिसमें डाइस कोड प्रविष्ट करना होगा। डाइस कोड प्रविष्ट करने के उपरांत आपको ये स्क्रीन यहाँ पर दिखेगा।
तो यहाँ पर आपको एसएससी टू केमिस्ट्री के सामने विकल्प करने पर निम्नलिखित स्क्रीन खुलेगी। आपको यहाँ पर देखिए, जैसे कि केमिस्ट्री पर क्लिक किया तो वैकेंसी टाइप रिक्ति के यहाँ पर कारण यहाँ पर आपको दिए गए हैं अलग अलग, देख सकते हैं आप यहाँ पर जो यहाँ पर जैसे कि स्थानांतरण उपरांत, कार्यमुक्त वृत्ति नियुक्ति उपरांत, कार्यमुक्त सेवानिवृत्त, मृत्यु, अनाधिकृत अनुपस्थिति, प्रशिक्षण, मातृत्व अवकाश, ये अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन है। इनके कारण वो अतिथि शिक्षक रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी जो प्रक्रिया है ये मैं आपको यहाँ पर विस्तार से जो है नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन पूरी प्रक्रिया को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखने के लिए मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, इसको आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं, पुराना वाला आदेश जो है उसको भी और नया आदेश है इसको भी आप लोग नीचे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने आपको नीचे दे दी है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला जो हम बात करें ऑप्शन था वो ये था कि आप लोगों का नियमितीकरण किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार के हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस प्रकार की प्रक्रिया ठीक रहेगी। देख देखिए मैं बताऊं, यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को 25% का रिजर्वेशन पिछली सरकार ने दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका नियमितीकरण की कोई पात्रता परीक्षा से ही यहाँ पर हो सकता है। जो भी अतिथि शिक्षक हैं तो यहाँ पर एक विभागीय पात्रता परीक्षा भी ली जा सकती है, या हम बात करें सभी को सम्मिलित करके एक परीक्षा ली जा सकती है जिसमें कि जो लोग अतिथि शिक्षक नहीं हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है, अतिथि शिक्षकों को शामिल किया जा सकता है, और एक विभागीय परीक्षा और बोनस अंक के आधार पर जो है यहाँ पर आगे की स्थिति निर्मित हो सकती है। बट अभी क्योंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं है, शिक्षक भर्ती कैंसिल भी नहीं हुई है, सिर्फ एक महीने बढ़ाई गई है, तो इसमें कोई अभी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आए हैं, इसलिए हम लोग ये कह पाना कि आपका नियमितीकरण हो ही रहा है तो ये झूठी अफवाह हो गई एक प्रकार से, और जो आजकल चल रही है तो झूठी बात यहाँ पर नहीं हम लोग बताएंगे और नहीं हम लोग फैलाएंगे। तो बात ये पूरी कुल मिला के ये है। तो दोस्तों बात अगर हम करें पूरी तो ये हो जाती है कि अतिथि शिक्षक काफ़ी वर्षों से कार्यरत हैं, करीब 8 से 9 वर्ष से भी कुछ अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, और हर एक अतिथि शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, उसने कार्य दिया है यहाँ पर विद्यालय में, तो उसके लिए सरकार यहाँ पर व्यवस्था कर रही है। डेफिनेटली आगे कुछ ना कुछ नियमों में चेंजेस होंगे और उसके बाद ही यहाँ पर आगे भर्ती की प्रक्रिया होगी। इस बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति में अगर हम बात करें तो आपकी नियमितीकरण प्रक्रिया कैसी हो इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे गुरुजियों को नियमित किया गया था वैसे मांग अतिथि शिक्षक कर रहे हैं, क्या इस प्रकार की प्रक्रिया होनी चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।